नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल ब्रोकुंजी में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा पावर और टाटा मोटर्स लिमिटेड, ये दो स्टॉक के बारे में। दोस्तों लास्ट 2 वीक पहले हमें ये दोनों स्टॉक में बहुत ही अच्छा अपट्रेंड देखने को मिला था, लेकिन इस टाइम पर हमें ये दोनों स्टॉक में डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है और टाटा मोटर्स में कंसोलिडेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हमें दोनों स्टॉक में कहाँ पर एंट्री लेनी चाहिए और हमें कहाँ तक टारगेट देखने को मिल सकते हैं दोनों स्टॉक में। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। दोस्तों टाटा पावर की स्टॉक की प्राइस चल रही है 214। फ्राइडे की तरह हमें टाटा पावर के स्टॉक में 1.5% से ज्यादा का डाउन ट्रेंड देखने को मिला है। वैसे तो हमें फ्राइडे के दिन एनर्जी सेक्टर में 1.5% का डाउन ट्रेंड देखने को मिला, जहां एनर्जी सेक्टर के स्टॉक में एनटीपीसी और रिलायंस में 2.5% से 3.5% का डाउन ट्रेंड देखने को मिला था और टाटा पावर में 1.5% का डाउन ट्रेंड देखने को मिला था। दोस्तों टाटा पावर में एक न्यूज है, वो न्यूज जानने से पहले आपने अगर अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट करने में आसानी हो और लॉस होने से बच सको। दोस्तों अब हम टाटा पावर में जो न्यूज है वो न्यूज जान लेते हैं। दोस्तों टाटा पावर में न्यूज है वो ये है कि टाटा पावर ने टाटा स्टील के साथ कोलैब किया है झारखंड और ओडिशा में 41 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट लाने के लिए, जो टाटा पावर के लिए एक अच्छी न्यूज है। अब हम टाटा पावर का टेक्निकली देख लेते हैं। दोस्तों टाटा पावर में मंडे के दिन, सॉरी फ्राइडे के दिन एक डाउन ट्रेंड देखने को मिला और स्टॉक की प्राइस आ गई थी 202 और फिर स्टॉक ने सपोर्ट को रिस्पेक्ट करके फिर एक रिवर्सल लिया और स्टॉक ने क्लोजिंग दी 214 पे। दोस्तों अगर आप इस स्टॉक में एंट्री लेना चाहते हैं शॉर्ट टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए, तो लॉन्ग टर्म के लिए आप इस स्टॉक में होल्ड करें या अभी भी एंट्री लेकर चल सकते हो, क्योंकि स्टॉक में हमें बहुत ही अच्छा डाउन ट्रेंड देखने को मिल चुका है। टाटा पावर का स्टॉक 267 से अभी आ चुका है 214, बहुत ही अच्छा डाउन ट्रेंड देखने को मिला है। आप इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए बिंदास एंट्री लेके चल सकते हो। अगर हम बात करें शॉर्ट टर्म की, तो शॉर्ट टर्म के लिए आप इस स्टॉक में अगर स्टॉक 220 के ऊपर क्लोजिंग देता है विद वॉल्यूम, तो आप इस स्टॉक को बाय करके चल सकते हो। आपको शॉर्ट टर्म इस स्टॉक में 240 और 250 के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अब हम सेकेंड स्टॉक के बारे में जान लेते हैं, जो है टाटा मोटर्स। दोस्तों टाटा मोटर्स ने फ्राइडे के दिन 0.5% की पॉजिटिव क्लोजिंग दी है निगेटिव मार्केट में। अगर हम बात करें ऑटो सेक्टर की, तो ऑटो सेक्टर ने भी फ्राइडे के दिन पॉजिटिव क्लोजिंग दी है, जहां हमें टीवीएस मोटर, मारुति, अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स, ये सभी स्टॉक में पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली है फ्राइडे के दिन। दोस्तों अब हम इसका टेक्निकली देख लेते हैं। टाटा मोटर्स 260 की प्राइस को रिस्पेक्ट कर रहा है, जहां हमें स्टॉक में एक रिवर्स देखने को मिला है फ्राइडे के दिन। स्टॉक 267 की प्राइस से रिवर्सल देखने को मिला है। दोस्तों अगर यह 260 की प्राइस ब्रेक करता है तो आगे हमें और भी डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है, लेकिन दोस्तों फ्राइडे के दिन आप देख सकते हैं कि हमें अच्छा वॉल्यूम देखने को मिला है टाटा मोटर्स में, तो हो सकता है कि टाटा मोटर्स में यहां से हमें एक रिवर्सल देखने को मिले। दोस्तों अगर आपके पास टाटा मोटर्स की स्टॉक है लॉन्ग टर्म के लिए, तो उन्हें होल्ड करके चले, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपको टाटा मोटर्स में और भी अच्छा अपट्रेंड देखने को जरूर मिलेगा। अभी कुछ दिनों से मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है, इसलिए हमें टाटा मोटर्स और टाटा पावर के स्टॉक में भी एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। इसलिए आप टेंशन ना ले, इस स्टॉक को होल्ड करके चले लॉन्ग टर्म के लिए। दोनों स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छे हैं, लॉन्ग टर्म में आपको दोनों स्टॉक में बहुत ही अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।